कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में विवादों में रहने के बाद अब नई फिल्म अजमेर 92 रिलीज से पहले ही विवादों में है। इस फिल्म में अजमेर के 1992 की एक क्राइम की कहानी दिखाई गई है। फिल्म पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्रिजेंद्र काला जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, फिल्म अजमेर 92 ट्रेलर भी खुलकर नहीं सामने आया है, लेकिन फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली में एक संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने इस फिल्म पर बैन की मांग की है। आप इस फिल्म का हिस्सा हैं, बतौर कलाकार क्या सोचते हैं? अभी मैंने फिल्म देखी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद क्योंकि जो डबिंग के टाइम पे हम थोड़ी बहुत डबिंग की थी, क्योंकि हम पूरी फिल्म का हिस्सा तो हो नहीं पाया, क्योंकि इस तरह का किरदार मेरा नहीं था। मैं एक पत्रकार जो लड़का है उसका मैं पिता बनता हूँ, और जो इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई हैं उसकी स्टोरी को वो सामने लेके आता है। हाँ, तो वो मैंने किरदार निभाया है। और अभी ट्रेलर, जैसे कि आपने बताया, वो ट्रेलर भी अभी तक आया नहीं है। डेट का भी क्लियर एकदम से पता नहीं कि कब कब से है। हाँ, ट्रेलर नहीं आया, फिल्म की रिलीज डेट नहीं आई, उसके पहले फिल्म को बैन की मांग, विवाद हो जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लेकर यही है कि मतलब कि जिन लोगों को भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि इसमें क्या है, तो उसका जब पता ही नहीं है तो उसके बारे में विवाद अभी इस तरह से करना नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि मतलब कि जब किसी प्रसंग के बारे में दिखाया जाए या पता किया जाए, तो वो तभी उसके बारे में खबर लगनी चाहिए जबकि संपूर्ण तरीके से आपको उसकी जानकारी हो, है ना। अदरवाइज़ क्या है कि फिर वो भटका हो जाता है, समझ में नहीं आता कि मतलब कि ये एग्जैक्टली था क्या, है ना। और मैं समझता हूँ कि मतलब कि जिनको भी इससे परहेज है, कुछ भी है, वो एक बार फिल्म को देखें या कोई स्क्रीनिंग हो इस तरह की, और वो समझ में आए कि मतलब एग्जैक्टली है क्या। सर, लेकिन इस तरह की स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्यों है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेंसॉर बोर्ड है यहाँ पर, तो फिर भी विवाद किया जाता है, फिल्म को बैन करने की मांग की जाती है, तो ऐसा क्यों? पर ऐसा चला आ रहा है ना, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो पठान का अतरंगी गाना हो, ठीक है ना। तो जब तो हमको सबकी तरफ देखना चाहिए कि मतलब अगर एक को ऑब्जेक्शन है तो दूसरे को भी होगा। तो अगर कहीं भी किसी भी बात की शक है, तो वो शक शुबा को दूर करने के लिए मतलब उस तरह का तो फिर वो करना ही पड़ेगा। हालांकि हमको बिलीव करना चाहिए सबसे पहले उस सोसाइटी पे, उस सेंसर बोर्ड पे जो कि सरकार ने बनाया हुआ है, जो सारे मापदंड देखने के बाद ही पिक्चर को क्लियर करता है, है ना। अगर उसने कर दिया क्लियर, तो फिर मतलब हमको उस तरह के शक शुबा नहीं होना चाहिए। सर, एक धर्म विशेष का ये संगठन है जो आपकी फिल्म के बैन की बात कर रहा है, एक विशेष धर्म, ये विशेष धर्म ही होते हैं जो मतलब इस तरह की बातें करते हैं, है ना। वो किसी का भी धर्म हो सकता है, वो किसी भी तरह की फिल्म अगर आती है और किसी भी तरह से अगर ऑब्जेक्शन होता है, तो वो अभी जितनी भी फिल्मों के मैं नाम ले रहा हूँ या जिस तरह से भी है, तो वो क्या होता है कि हम लोग धर्म के अंतर्गत इस तरह से फंस जाते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि एग्जैक्टली सच्चाई क्या है, है ना, और हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं। कभी कभी क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पर्पसली दिखाई जाती हैं, वो गलत होता है, है ना। लेकिन हमको उसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब एग्जैक्टली हम चाह क्या रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। अजमेर 92 की बात करूं तो 1992 में जो ब्लैकमेलिंग के केस हुए थे, उस पर आधारित आपकी फिल्म है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। अब देखो, ये जब इस तरह की चीज़ें कभी भी आती हैं ना, तो किसको बदनाम कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, ये सब चर्चा का विषय बन जाता है, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी मैंने एक मेरी छोटी सी फिल्म आई थी, उसका नाम था लवास्ते, जिसका पर्पस था कि लाशों के वास्ते, वो जो आवारा लाशें होती हैं, या वो परिवार, वो लोग जिनके मतलब बच्चे होने के बावजूद भी मतलब कोई उनको कायदे से दाह संस्कार नहीं करता है, उसके ऊपर एक फिल्म थी, एक जिसे कहते हैं एक मुद्दा था वो, है ना। तो वो न तो कोई चर्चा का विषय बनी, ना किसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, किसी ने बातचीत भी नहीं की उसके बारे में, है ना, या ना किसी ने कोई सवाल किया उसके बारे में। तो मेरा मानना ये है कि मतलब कि हम उस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जिसके लिए सिनेमा एक तस्वीर की तरह होता है, कि वो आईना दिखाता है, तो हमको हर चीज़ों को बराबरी से लेना चाहिए। सर, आपसे मिलने से पहले मैं कुछ उन संगठनों के पास भी गई जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। कई लोगों के जवाब थे कि फिल्म के कलाकार मेकर्स को जेल में डाल देना चाहिए अगर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। देखो, अगर उनको, किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि मतलब उन कलाकारों को या उन मेकर्स को जेल में डाल देना चाहिए, अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की है तो उनको जेल में डाल दो, है ना। तो कानून है उसके लिए, मतलब ऐसी थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है,
तो उसको पूरी तरह से समझ के पता करके देन उसके बाद ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। काला जी, कुल मिलाकर आपका क्या रिएक्शन होगा जो फिल्म के बैन की बात हो रही है? फिल्म के बैन की बात नहीं, मेरा मतलब ये है कि कुल मिलाकर के एक बार जो है उसका पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली क्या मुझे खुद नहीं पता कि ये फिल्म क्या है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, उसको बने हुए टाइम हो गया, कब का टाइम है ना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये कब का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है शायद कोविड के आसपास से ही हुई है, तब ये फिल्म बनी थी और हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन किए थे, शायद मुझे लगता है कि ये उसी के आसपास उसी वक्त में बनी थी ये फिल्म। और क्योंकि मैं पूरी कहानी का हिस्सा तो हूँ नहीं, एक छोटे छोटे पार्ट्स में बिट्स में हमने काम किया है, तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं कि मतलब कि ये है क्या। तो बतौर कलाकार क्या कहते हैं आप, लगातार तमाम फिल्मों का विरोध शुरू हो जाता है, फिर बजट पर असर पड़ता है, एक पूरी इंडस्ट्री इससे प्रभावित होती है। मेरा मानना ये है कि भाई ऐसे इस तरह के, पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को चर्चा में, या तो ये फिल्म मुझे लगता है या तो सुपर हिट हो जाएगी, वो प्रोड्यूसर बहुत कमा लेंगे, है ना, अगर इस तरह की बात अगर ये चल गई उस हिसाब से, तो या तो पर्पसली हो रहा है ऐसा कुछ, या फिर ये है कि मतलब कि किस्मत होती है, फेट होता है हर चीज़ का, है ना। लेकिन ये जो विरोध है किसी भी चीज़ का, उसको भाई सेंसर बोर्ड से शिकायत करो। मेरा मानना ये है कि सेंसर बोर्ड के पास जाओ कि आपने ये किस लिए इस फिल्म को पास किया, अगर आपने इसको जो भी सर्टिफिकेट दिया है ये किस वजह से दिया है, तो हमको सेंसर बोर्ड से शिकायत करनी चाहिए, वहाँ जाकर के सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए, वो शायद आपको समझाएंगे कि इस फिल्म को बैन करना है कि नहीं करना है, या इस फिल्म को हमने किस तरीके से, अभी पता नहीं सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि अभी जब फिल्म रिलीज होगी उसके आसपास जाकर के पता चलेगा। लेकिन उसके पहले विवाद शुरू हो गया है? नहीं, विवाद शुरू हो गया, लेकिन उसका असली विवाद तो तब होगा जब वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जानते हैं आप कहीं ना कहीं कि असली विवाद वहाँ से शुरू हो जाएगा जब मेन सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं, मेन सर्टिफिकेट मिलेगा का मतलब ये है कि जब वहाँ से पिक्चर पूरी तरह से पास हो जाएगी, उसके बाद मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ जाके बात की जाए। क्या कुछ कहेंगे कि बहुत सारी तस्वीर ऐसी है कि ज़्यादातर अभी साउथ की रीमेक बन रही है, जब सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनती है तो उसका विरोध हो जाता है, तो इंडस्ट्री किस चीज़ पर काम करे, या फिर आपको लगता है कहीं ना कोई कोई चीज़ लैक हो जाती है जिसलिए जो ये विरोधक होते हैं वो हावी हो जाते हैं? देखो, सीधी बात यह है कि एक तो क्या है कि छोटी छोटी बातों पर फिल्म बनाना, मैं तो ये सब क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं टीवी पे, है ना, आप वहाँ देख लो यार, है ना, वो न्यूज़ आपका न्यूज़ चैनल, मतलब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इस तरह की घटनाएं सब दिखा चुके हैं पूरी। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मतलब एक मुद्दे को उठा करके उसको पूरा एक यू रचना दे करके उसका एक सिनेमा बना लेते हैं। तो अब कुछ लोगों का मुद्दा ऐसा होता है कि मतलब कि वो सोचते होंगे शायद इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। एंटरटेन क्या है कि इस दुख भरी जिंदगी में मतलब मोस्टली लोग, मतलब मुझे लगता है कि 75-80% जो है वो सुबह जाते हैं नौकरी पे, काम पे, मजदूर की तरह, फिर रात को शाम को लौट के आते हैं, उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको एक सुख भरी तस्वीर दिखाएं, न कि दुख भरी तस्वीर। मेरा मानना यह है कि मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर कोई देखे तो उसको उस तरह से मुद्दा लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप हैं एक जिम्मेदार चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, जो कि हमको तस्वीर दिखाते हैं, हमको उसके बारे में वो बताते हैं, तो हमें वहाँ ध्यान देना चाहिए, न कि मतलब इन सब चीज़ों की तरफ। तो काला जी, आप फाइनली ये कहेंगे कि फिल्म को एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए, ना कि एक प्रोपेगेंडा के? हाँ बिल्कुल, डेफिनेट, मतलब उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर कतई नहीं लेना चाहिए, और ना ही मतलब सिनेमा को जो है प्रोपेगेंडा बनाने का मुद्दा बनाना चाहिए। तो काला जी, फिल्म का हिस्सा हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, लेकिन फिल्म के ट्रेलर और रिलीज से पहले ही विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, और एक बार फिर से भारत की एक नई फिल्म है जिसके बैन की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।